ये जैकवार का डाइवर्टर है, इसे चालू कर रहे हैं। हॉट साइड में पानी देखते इतना आ रहा है, और कोल्ड साइड इनका थोड़ा उल्टा फिटिंग है, पानी आ ही नहीं रहा है। ये हॉट लिख दिए तो क्या, गीजर इनका ये देखिए इस जगह पे लगा हुआ है, तो इसी कारण राइट साइड में इन्होंने हॉट कर दिया, जबकि ये लेफ्ट साइड में हॉट होता है, ये मार्क भी दिया हुआ है। ये राइट साइड में हॉट कर दिए, तो हॉट का पानी देख सकते हैं ये हल्का हल्का आ रहा है। अब कोल्ड साइड कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे पीछे से पानी बंद होगा, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है, बेसिन मिक्सर। ये देखिए इधर पानी आ रहा है, ठंडा पानी प्रेशर में, और ये हॉट पानी ये प्रेशर है, तो गीजर से होके आ रहा है, तो ये टॉप फ्लोर में है, पानी का प्रेशर कम रहेगा। ये देखिए ये पानी आ रहा है, ठंडा पानी इसमें तो आ ही रहा है। अब यही चीज़ सेम हम आपको डाइवर्टर के पास ले आए, ये देखो नल चालू है, पानी नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलंकी जो है यहाँ से खोलेंगे, लूज़ करना है, नॉब को भी खोलना है, दिखाने होगा इस एलंकी से। ये खोला हमने, खोल के इसे आगे के अपने तरफ खींचना है, ये निकल गया। अब इस प्लेट को निकालेंगे, प्लेट रख दिया। अभी आपको एक काम करना पड़ेगा, साहब पानी बंद करिए, मैं इसे खोल के देखता हूँ क्या है। ये आगे की तरफ खींचना है, ये भी बाहर आ जाता है। फिर क्या करना है, ये जो चेक नट इसे खोलना है, अपना पकड़, ये मंकी पकड़ अपने प्लम्बिंग लाइन में वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पानी बंद करने गए हैं, देखते हैं क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, बेसिन में चेक करेंगे हम। पानी चालू है अभी, ये हम हैं, लेकिन लाइट चालू है, अंधेरे में पानी के टाइम काम कर रहे हैं। ये देखिए पानी बंद हो गया, अभी हम डाइवर्टर को खोलेंगे। डाइवर्टर को खोलेंगे, एक बार उनको आने दीजिए, फिर देखते हैं, मोबाइल को पकड़ेंगे तभी खोल सकता हूँ, ये घाट से काम नहीं हो सकता है भाई। पकड़ को पकड़ूंगा कैसे, सेट नहीं कर पा रहा। मास्क निकाल दिए, बहुत गर्म हो रहा है भाई। पकड़ से इसे खोलना है आराम से, खोला। देखिए सेम चीज, ये जो कचरा आके पूरा जाम हो गया, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये टाकी जो इनका खत्म हो गया था पानी, ये सब आके भर गया है लाइन में, तो पानी कहाँ से आएगा। ये देखिए मोबाइल थोड़ा इधर लाइए, ये देखिए ये पूरा भर गया है, ये देख रहे हो, यही चीज़ है इनका पानी नहीं आने का कारण। अभी इसे हम बंद चालू करेंगे, तब जाके होगा पानी को डायरेक्ट में। सबसे पहले तो स्क्रू ड्राइवर में इसे जितना हो सके निकाल लेना है, ये देखिए फिर भी अंदर भरा पड़ा है, ये ऐसे नहीं निकलेगा। आप बाहर जाइए, पानी को चालू बंद करिए प्रेशर से, आप क्योंकि इतना भरा पड़ा है, फिर इसके बाद हम कार्ट्रिज भी क्लीन करेंगे।
वो भी देखिए, अब दूर हो जाइए, पानी उड़ेगा फिर आपके ऊपर। बंद करने बोलो फिर से, बंद कर, फिर चालू करने बोलो, बंद कर। ये पूरा भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। फिर चालू करने बोलो, चालू कर, बंद चालू, बंद चालू करने बोलिए, बंद कर, चालू कर, बंद कर, चालू कर। फिर से वो नल बंद करिए ना बेसिन का। ये पूरा भरा हुआ है भाई, पूरा पाइपलाइन जाम हो चुका है। देख ये देखिए, इतना सारा कचरा निकला। फिर से चालू करिए, फिर चालू कर, चालू करेंगे तो दिखाते, बहुत सारा कचरा भरा। ये देखिए, ये है त्रोटा, ये देखिए कितना सारा कचरा निकला, पूरा लाइन भर गया था। अभी नहीं होता तो ये तोड़ के करना पड़ता था। चलिए बंद कर दीजिए। ये देखिए और एक चीज़ है, हॉट लाइन का पानी में कुछ तो लोहा लक्कड़ कुछ तो फंसा है, पाइप का टुकड़ा वगैरह जो भी है। ये कार्ट्रेज बनाना भी सीखेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा जमा हुआ है। देखिए जो कचरा है, क्या किया, क्लियर नहीं आ गया, इसके अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है। इसे कैसे साफ करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले जो लॉक है ये लॉक को ऊपर की तरफ करना है, और एक इधर भी है, दोनों लॉक धीरे से करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, प्लास्टिक का रहता है। ये देखिए इस तरह से खोलना है, ये देखिए कितना सारा मसाला इसके अंदर भरा है भाई, देख रहे हो पानी कहाँ से आएगा, पानी तो है नहीं। हम भी साफ करेंगे, जो पानी बंद है लाइन में, फिर भी थोड़ा बहुत पानी में इसे धो लेना है, सफा करना है अच्छे से, फिर हमारे पास एक ग्रीस है, ये ग्रीस देख सकते हैं, सिलिकॉन ग्रीस है, ये स्टोन में लगाना है। फिर ये जो खांचा है, तीनों खांचा देखिए, ये तीन खांचा है, एक बड़ा है दो छोटा है, तो इधर भी देखना है, एक बड़ा है दो खांचा, ये देख सकते हैं एक बड़ा खांचा है दो छोटा है, तो उस हिसाब से इसे बिठाना है, इसे सीधा पकड़ के ये बैठ गया। फिर दूसरे में भी ग्रीसिंग करना है, आपके पास ग्रीस नहीं रहेगा तो वैसलीन लगा सकते हैं, बाजार से 5-10 रुपए का वैसलीन लेना है। फिर एक ग्रीसिंग करने के बाद ये जो फिर लॉक है, ये दो लॉक पे लगाना है, उसके लिए एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, अब इसमें देख सकते हैं एक साइड बड़ा है ये साइड का, और एक साइड ये छोटा है, ये लॉक भी वैसा है, तो इसके अंदर ये जो खांचा है इसमें बिठाना है। लॉक हो गया, अभी देखिए एकदम परफेक्ट, ओके। अब इसे हम लगाएंगे डाइवर्टर में, इसका वॉशर भी है, ये वॉशर है, ये इसमें लगाना है, फिर इसमें भी थोड़ा ग्रीसिंग कर लेना है, वैसलीन है तो आपके पास, क्योंकि ये देखो ये जो रस्ट जैसे पकड़ लिया दिख रहा है ना, इसके अंदर ये थोड़ा क्लीन करना है आपको, कर लिया। ये पानी दिखाई, कितना गंदा पानी निकला, आप देख रहे हो इतना कचरा भरा हुआ था, पानी पूरा गंदा। अभी इसे हम साफ कर लिए, अब क्या करेंगे, इसे हम लगाएंगे। इसे लगाने के लिए इधर दो खांचा है इस कार्ट्रेज का, क्या
क्लियर आ रहा है। अब इसे लगाने के लिए जो दो खांचा है, ये दो खांचा यहाँ पर है, दो खांचा इसके अंदर भी है, अंदर के तरफ दिया हुआ है। इसी तरह इसे ये दो खांचे को पहले लगाना है उसका लॉक। ये बैठ गया, लेफ्ट राइट घुमा के देखना है, फिर इसे पकड़ना है इस तरह, फिर नट को टाइट करना है। फिर पकड़ से इसे हम टाइट करेंगे। वहीं तक टाइट करना है जहां पे ये आपको लगे थोड़ा हार्ड है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना है। बराबर है। अभी इसे हम पानी चालू करेंगे, फिर चेक करेंगे। अब पानी चालू करके आइए भाई। हमने इसका पानी चालू किया है, चेक करेंगे। ये पानी आ गया, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली चेक करते हैं। ये साइड ये डायरेक्ट पानी हो गया अंदर, और ये वाइटर इसका पानी कम ही आएगा। ठीक है, अभी से हम फाइनल फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ये स्लीव लगाना है। फिर जो नॉब है इसे बराबर सीधा लगाना है, इसका एलंकी है ये टाइट करना है यहाँ। ये देखिए, ये भी हो गया, और ऊपर का नॉब भी लगाना है। लगा दीजिए, टूटा हुआ है।